हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और स्वागत है आपका बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग में हमारे इस दिल्ली टू इंडिया चैनल पे। और अभी मैं हूँ नैनीताल में और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स कौशल और नितिन के साथ चीना पिक का ट्रैक करने के लिए। कौशल और नितिन यहीं पे लोकल रहते हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया था ये ट्रैक करने के लिए। लगभग 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है ये जो नैनीताल झील है उससे। ये कौशल और नितिन जा रहे हैं बात करते हुए, मुझे इग्नोर करते हुए। नितिन ने सारा बैग उठा लिया है। अभी हम लोग शेयर करते हुए जा रहे हैं बैग और सबके पास है वाटर बॉटल एक। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ हाइट अटेन कर ली है, लगभग आधा रास्ता हम आ गए हैं और मेन ट्रैक जो है थोड़ा कच्चे रास्ते वाला वो शुरू होने वाला है। तो देखते हैं कैसा रहता है ट्रैक और ऊपर से आपको व्यू भी दिखाऊंगा कि किस तरह का व्यू है ऊपर से नैनी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का दिख रहा है यहाँ से हमारा नैनी झील का व्यू। और क्वेश्चन कैसा हो रहा है? तो दोस्तों, ट्रैक का रास्ता कुछ ऐसा है और हम लोग काफ़ी नीचे से आ चुके हैं इधर। और अगर मैं सामने आपको दिखाऊं तो सामने वो पूरी आपको हिमालयन रेंज दिख रही है, वो स्नो क्लैब पीक्स हैं। और कम से कम ये पीक्स जो हैं ये कम से कम नहीं भी तो 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है, साथ ही में चीड़ और बांज के पेड़। और टेम्परेचर काफ़ी कम है इधर अभी। चले नितिन, चलो जी। तो दोस्तों, अभी काफ़ी ज़्यादा रास्ता कवर करने के बाद हम लोग लगभग टॉप पे पहुंचने ही वाले हैं। और कुछ इस तरह का रास्ता है, जैसे पूरा जंगल के बीच से जा रहा है ये। तो हम लोग काफ़ी नीचे से आ रहे हैं और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है इधर। तो ऊपर जाके एक बहुत ही मस्त सा व्यू आता है, तो बस उसी के चाह में ऊपर चले जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं हमारा ट्रैक का फाइनल डेस्टिनेशन चीना पीक, एकदम लास्ट में है। और वहां से हमें पूरा नैनीताल वैली का जो व्यू है दिखता है। दोस्तों, लगभग 8,500 फुट की ऊंचाई पर सिचुएटेड चीना पीक नैनीताल और उसके आसपास के एरिया की नेचुरल ब्यूटी और पहाड़ियों को देखने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। यहां पर आने के लिए आपको कम से कम एक दिन का टाइम निकालना पड़ेगा अपनी नैनीताल ट्रिप से। यहां से नैनी झील, तल्लीताल और मल्लीताल का एकदम क्लियर व्यू दिखता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का फाइनल व्यू आता है इधर आके चाइना पीक पे। और पीछे जो आप देख रहे हैं वो है नैनीताल वैली। और ये हमारे दोनों साथी कौशल और नितिन हैं। और दूर में जो आपको दिख रहा है वो है हमारा नैनीताल लेक। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग व्यू आता है यहाँ से हमारा। और थोड़ा डिफिकल्ट ट्रैक है लेकिन मस्ट डू है नैनीताल में। तो दोस्तों, इस वाले स्पॉट से पीछे वो हिमालय की रेंज भी दिखती है जो आपको पीछे दिख रही है। तो एकदम वाइट स्नो क्लैब पीक्स दिख रही हैं यहाँ से हिमालय की। और चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे वो नैनीताल वैली और पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दूर दूर तक। बहुत ही सुंदर व्यू। लगभग बादलों को छूती हुई है नैनीताल की सबसे ऊंची पहाड़ी चीना पीक से एक खूबसूरत सा टाइम लैप्स।
तो दोस्तों अभी हम लोग जो है नीचे जा रहे हैं ट्रैक करके चाइना पीक से नैनीताल की तरफ। हमारा वहाँ पे रूम बुकड है, तो मैं कौशल और नितिन आज रात को उधर ही स्टे करने वाले हैं और देखता हूँ कुछ और शेयर कर पाऊँगा वीडियो में तो वो भी करूँगा। ये काफ़ी स्टीप ट्रैक था हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्टीप स्लोप है यहाँ पे और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा पथरीला है। कच्चा रास्ता होने की वजह से यहाँ पे किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आपको कुछ फूड या कुछ और कैरी करना है तो वो आपको नीचे नैनीताल से ही कैरी करके ऊपर ले जाना पड़ेगा, और शाम को सनसेट होने से पहले आप नैनीताल पहुंच जाएं, अदरवाइज ये रास्ता बहुत ही पथरीला और ख़तरनाक है। तो दोस्तों अभी हम लोग नैनीताल में, मॉर्निंग 7:30 हो रहा है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे नीरूज करके एक लोकल शॉप है तल्लीताल में बस स्टैंड के पास, और बहुत फेमस है यहाँ पे, फेमस ब्रेकफास्ट और स्नैक्स का जॉइंट है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया है। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है ये आलू का पराठा, चाय, साथ में आलू की तरी वाली सब्जी है, और ये इन्होंने गार्निश करने के लिए बड़े अच्छे से लाल चटनी, हरी चटनी, प्याज, कुछ गाजर और हरी मिर्च दे रखी है, और साथ में अपने पास चाय। और फिर अभी हम अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं और आपसे फिर उसके बाद मिलते हैं वीडियो में। अगर आप नैनीताल विज़िट करते हैं तो नीरूज एक बहुत ही अच्छा लोकल ब्रेकफास्ट का पॉइंट है। ये बिस्किट है और ये देखो तो दोस्तों कल शाम को मैं अपनी वीडियो पूरी नहीं कर पाया था क्योंकि ट्रैक से वापस आते आते अंधेरा हो गया था। तो जो व्यू आपने ऊपर से देखा था उसी को अब आप नीचे से देख लो यहाँ पे। तो वो जो पीछे आपको वो वाला पहाड़ी दिख रहा है वहाँ पे, वो है चाइना पीक, उसको यहाँ पे नैनी पीक भी बोलते हैं, चाइना पीक भी बोलते हैं। तो चाइना पीक और चाइना पीक यहाँ के लोकल नाम है, वैसे उसका नाम नैनी पीक है। और कल हम लोग वहीं पर गए थे और वहाँ से जो आपने वीडियो देखा था इससे पहले वो नीचे का था, और यहाँ से आप ऊपर देख लो तो वहाँ तक हम लोग पैदल ट्रैक करते हुए गए थे। इतना ईजी ट्रैक नहीं है और फिटनेस बहुत ज़रूरी है उस ट्रैक को कम्प्लीट करने के लिए। अभी मॉर्निंग हो रहा है, सेकेंड डे है, और अब हम यहाँ से भीमताल जा रहे हैं, वहाँ पे हमें अपना कुछ काम है। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा नैनीताल ट्रिप था, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नैनीताल से प्लेन्स में आने के लिए आपको काठगोदाम आना पड़ेगा। हम नैनीताल से भीमताल होते हुए काठगोदाम गए। तो दोस्तों अभी हम लोग भवाली आ गए हैं, भीमताल के रास्ते में हैं, और भीमताल जाने के लिए नैनीताल से आपको पहले भवाली आना होता है, फिर यहाँ से आपको दूसरी बस या टैक्सी मिल जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं भीमताल। मैं कौशल पीछे जाता जा रहा है कैमरा देख के, और इधर सारा हमारा लेक है ये, और वॉक कर रहे हैं यहाँ पे लेक साइड में। तो जैसे नैनीताल में मॉल रोड है, यहाँ तो कोई ऐसा मॉल रोड बना नहीं रखा है, और यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू नैनीताल, लेकिन ये भी बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं लेक के किनारे, भीमताल लेक के किनारे, और कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है हमारा, और बहुत ही सुंदर व्यू है इधर। वो बीच में आपको जो दिख रहा है वो आइलैंड है वहाँ पे। अगर आप एक से दो दिन का हिल्स का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो भीमताल भी एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है साइट सीइंग के लिए।
बाद हम पहुंच गए काठगोदाम और वहां से ली हमने दिल्ली की ट्रेन और वापस आ गए अपने घर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।